नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। एंड गाइज, यहां पर दुर्गेश नेताम के अच्छे प्रदर्शन करने के बाद भी चंबल चैलेंजर जो कि छत्तीसगढ़ की टीम बनकर युवा कबड्डी सीरीज 2023 के लिए गए हैं, अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जी हां गाइज, छत्तीसगढ़ की टीम को लगभग 5 मैचों में से अभी तक 1 मैच जीत कर 1 मैच टाई एंड यहाँ से 3 मैच हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ की टीम बहुत ही करीबी मैच खेल रहे हैं एंड दुर्गेश नेताम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले 3 मैचों में हमें नजर आ रहे हैं, जहाँ पर दुर्गेश नेताम का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहां से जावेद खान, संस्कार मिश्रा और यहां से अजय मरावी उतना अच्छा प्रदर्शन रेडिंग डिपार्टमेंट में नहीं दिखा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो चंबल चैलेंजर्स है वो अंत में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अपना पिछला मैच जो कि नीलगिरी अराइवल्स के खिलाफ खेला गया था, जिसमें 23 पॉइंट के साथ यहां पर टाई हो गया था मैच, वहां पर दुर्गेश नेताम का शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। एंड गाइज, यहां से 23-23 पॉइंट से नीलगिरी अराइवल्स जो कि स्कोर कार्ड पर दूसरे नंबर है उसको अभी टाई कराकर आ रहे हैं। एंड बात ये आते हैं कि गाइज, दुर्गेश नेताम के अच्छे प्रदर्शन करने के बाद भी टीम हार रही है एंड दुर्गेश नेताम ने पिछले 3 मैचों में लगभग 2 सुपर 10 लगा चुके हैं गाइज एंड अच्छे प्रदर्शन का संकेत दे रहे हैं। एंड आने वाले 5 मैचों में दुर्गेश नेताम का अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।